स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री सेप्स क्लास 6 एनसीईआरटी सॉल्यूशन पेज नंबर 103 चैप्टर 5.6। हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या करा था कि हम जाने थे कि एंगल्स मतलब किस तरह से ट्राइंगल होते हैं और तो कौन से एंगल होते हैं, अगर ऐसा ट्राइंगल है इतने एंगल का है तो कौन सा ट्राइंगल होगा, हमने ये पढ़ा था। तो उसी बेसिस पे आज क्वेश्चन है हमारा, तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है, A1 नंबर, नेम द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग ट्राइंगल। कह रहा है कि यहाँ पे कुछ ट्राइंगल्स दिए हैं, उसे उसके हमें उन्हें उनके टाइप्स बताने कि कौन से टाइप्स के ट्राइंगल हैं। तो पहला देखिए A नंबर क्या बोला, ट्राइंगल विथ लेंथ ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। यानी कि एक ट्राइंगल ऐसे बना लीजिए, सपोज मान लीजिए ये एंगल हमारा 9 सेंटीमीटर का है नीचे वाला, ये एंगल हमारा 7 सेंटीमीटर का और ये हमारा 8 सेंटीमीटर का, यही कह रहा है। ठीक है, तो ये तीनों एंगल जो हमारे हैं अनइक्वल है, क्या है अनइक्वल, यानी कि बराबर नहीं है। तो ये हमने कल क्या पढ़ा था, जो एंगल बराबर नहीं है उस एंगल को हम बोलते हैं स्केलन। तो ये हमारा स्केलन ट्राइंगल हो गया। ठीक है, क्लियर। सेकंड देखिए क्या कह रहा है, ट्राइंगल ए बी सी विथ ए बी, यानी कि ए बी है 8.7 सेंटीमीटर, ए सी है हमारा 7 सेंटीमीटर एंड बी सी हमारा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कहने का मतलब कि एक एंगल हमने बना लिया ऐसे, तब यहाँ पे हमने लिख दिया ए बी और सी। तो क्या पहले बोला इसने, ए बी इजकल टू 8.7 सेंटीमीटर, हमने इसको ए बी मान लिया तो ये हमारा 8.7 सेंटीमीटर हो गया। फिर कह रहा है ए सी, यानी कि हमारा ये एंगल, तो कितना कह रहा है 7 सेंटीमीटर कह रहा है। फिर कह रहा है बी सी, यानी कि ये एंगल कितना कह रहा है 6 सेंटीमीटर। तो फिर अगेन देखिए हमारा जो एंगल है अनइक्वल है, यानी कि हमारा ये एंगल भी होगा स्केलन। ठीक है, तो हमारा ये भी है स्केलन ट्राइंगल। क्लियर है, आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा हो तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन पे एक बार ओके मैम जरूर लिखिएगा, और कोई भी डाउट हो एनी कोई भी डाउट तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हो। सो तो चलिए आगे बढ़ते, थर्ड हमारा क्या बोल रहा है, सी नंबर, ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट पी क्यू इजकल टू क्यू आर इजकल टू पी आर इजकल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तब ये क्या कह रहा है, यानी कहने का मतलब है कि पी क्यू क्यू आर पी आर मतलब ये दोनों जो है बराबर हैं, तो हम चलिए एक एंगल ड्रॉ करते हैं, इससे हमें पता चलेगा। हमने मान लीजिए एक एंगल ड्रॉ किया, ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया हमने इस तरह से। ठीक है, तो हमने नेम दे दिया इसका पी क्यू आर। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि हमारा पी आर जो ट्राइंगल है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, पी क्यू बराबर क्यू आर, यानी कि पी क्यू बराबर पी आर, देखिए पी क्यू बराबर क्यू आर, क्यू आर बराबर पी आर, पी आर कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी कि सारे एंगल जो है अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों एंगल जो है हमारा इक्वल है। अगर तीनों एंगल बराबर हो तो वो कौन सा एंगल होता है, हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था ना, तो वो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, डी नंबर, ट्राइंगल डी ई एफ विथ मेजर एंगल डी 90 डिग्री, यानी कि हमें मेजर करके बताना है। ठीक है, तो हमारा जो एंगल डी का कितना दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है, और यहाँ पे ई और एफ। ठीक है, तो हम चलिए एक एंगल ड्रॉ करेंगे तभी हम इसे वो कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। हमने एक एंगल ड्रॉ किया, एंगल बोल रहा था ना,
इस तरह से, और ये हमारा ई एफ जो था वो ट्राइंगल था, तो हम यहाँ पे ई और एफ लिख देंगे। ये एंगल था, परपेंडिकुलर बन रहा है, ये हमारा 90 डिग्री का हो गया, तो यहाँ पे हम डी लिखेंगे। ठीक है, तो अगर 90 डिग्री का एंगल है तो वो क्या बोला, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा जो ई डी नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ई नंबर सम, देखिए क्या कह रहा है। ट्राइंगल एक्स वाई जेड विथ मेजर एंगल वाई इसकल टू 90 डिग्री एंड एक्स वाई इसकल टू वाई जेड, यानी कि एक्स वाई जो है बराबर है वाई जेड के, कहने का मतलब ये है। और एक एंगल हमारा बता रखा है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 डिग्री कह रहा है, तो क्या करना है हमें, चलिए ड्रॉ करके देखते हैं। सपोज हमने एक एंगल बना लिया 90 डिग्री कह रहा था, हमें परपेंडिकुलर बनाना है, तो हमारा 90 डिग्री हो गया। तो ये हमारा कौन सा एंगल है, वाई एंगल है, क्योंकि उसने वहाँ पे मेंशन करा है कि वाई एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, तो हमने यहाँ पे 90 डिग्री लिख दिया। तो ये कौन सा एंगल हो गया, ये एक्स हो गया और ये जेड हो गया, तो एक्स वाई जेड। अब ये क्या कह रहा था कि जो हमारा एक्स वाई जेड एंगल था वो बराबर था, यानी कहने का मतलब ये तीनों अगर डिग्री और वाई जेड 90 डिग्री है। ठीक है, यानी कि दो साइड जो है हमारा एक बराबर है, तो इसे हम कहेंगे कौन सा एंगल, आइसो स्केल्स ट्राइंगल, यानी राइट एंगल है, तो इसे हम आइसो सेल राइट एंगल ट्राइंगल कह सकते हैं, या फिर राइट एंगल आइसोसेल ट्राइंगल ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, एफ नंबर देखिए क्या कह रहा है। एंगल एल एम एन विथ मेजर एंगल एल 30 डिग्री, मेजर एंगल एम 70 डिग्री एंड मेजर एंगल एन इक्वल टू 80 डिग्री, यानी तीनों एंगल का माप दे रखा है। चलिए ड्रॉ करके देखते हैं। मान लीजिए हमने एक एंगल बनाया, यहाँ पे बोल रखा था कि L हमारा था 30 डिग्री, हम यहाँ पे L लिख दे रहे हैं, यहाँ M लिख दिया हमने और यहाँ पे एंगल बोल रहा था, ये हमारा हो गया 30 डिग्री, M था 70 डिग्री और N था 80 डिग्री। ठीक है, यानी तीनों एंगल जो है अलग अलग है, यानी क्लियर दिख रहा है कि ये स्केलन है लेकिन एंगल है, ये ट्रायंगल नहीं है। एंगल अगर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई सा भी अगर एंगल दे रखा है तो ये जितने भी एंगल है 90 डिग्री के नीचे, यानी हमारे एक्यूट एंगल शो कर रहा है। बट अब यहाँ पे अगर ये हमारा एंगल बोल रहा था इसलिए हमने इसे एक्यूट एंगल बोला, लेकिन हम यहाँ पे हम एंगल्स को वो कर रहे हैं, टाइप्स बताने ना, तो ये अब इस तरह से अगर ये तीनों एंगल्स अलग अलग हैं तो स्केलन भी हो जाता है। सो हम इसको कह सकते हैं स्केलन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऐसे हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों चीज शो कर रहा है इसलिए हम इसे दोनों लिखना, स्केलन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। क्लियर हो गया ये अब आपका। सो हमारा जो 5.6 चैप्टर का वन नंबर था वो हमने सॉल्व कर लिया है। सेकेंड सम के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादातर मेरे वीडियो को शेयर कर देना, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन पर कॉमेंट करके आप मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड थैंक यू।